ट्रेसिंग मतलब क्या होता है ट्रेसिंग, कि ये डॉट्स हैं, हमें डॉट्स के ऊपर ही काम करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि डॉट्स यहाँ बने हैं और हम खींच रहे हैं लाइन यहाँ, यहाँ जिगजैग जा रही है, या हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, नहीं। डॉट्स पे चलना, डॉट्स के ऊपर पेंसिल फिराना ही ट्रेसिंग होती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मिथिलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो वीडियो लाई हूँ वो ट्रेसिंग से रिलेटेड है। छोटे बच्चों को जब हम ट्रेसिंग कराते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ट्रेसिंग कैसे कराएं। तो अल्फ़ाबेट्स और जो हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सब तो हमारे पास बुक में ऑलरेडी होते हैं। वो हम उन्हें प्रैक्टिस कराते रहते हैं कि उनको जो है ट्रेस कराना है डॉट के थ्रू, फिर उसके बाद ऐसे लिखाना है। बट हम थोड़े से फिगर्स के थ्रू और हल्के से, अगर हम गेम्स के थ्रू कह सकते हैं इसको, अगर हमें उनको प्रैक्टिस करानी है तो हम घर में ऐसे बना के उनको दे सकते हैं और उनको बोलें कि ट्रेस करें। जैसे कि स्टार्ट कैसे कर रही हूँ मैं, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक ये फिगर बनाई हुई है, यू डबल करके है और इसमें डॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ये वी है, इसमें डॉट्स दिए हुए हैं। तो पहले ट्रेसिंग से वो क्या समझते हैं, ट्रेसिंग से मतलब आपको इस चीज़ के ऊपर अपनी पेंसिल चलानी है, मतलब आपको इस चीज़ पे ट्रेस करना है। तो पहले आप उसको कोई भी चीज़ दे सकते हैं ऐसे गेम के लिए, ठीक है, कि बेटा इस पे आपको चलाना है ऐसे करके, आपको यहाँ तक लेके आना है, फिर ऐसे करके आपको यहाँ तक लेके आना है। ट्रेसिंग का मतलब समझ में आएगा ना उसको, कि वो ट्रेस कर रहा है भाई, आपको उसी के ऊपर चलना है, इधर से उधर नहीं जाना है। ऐसे नहीं कि ऐसे जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो, आपको इसी ही लाइन पे चलना है, यानी डॉट्स पे चलना है। तो 1 2, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आके आपने एंड कर दिया, ठीक है। ऐसी इस वाले पे आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देके कर सकते हैं। तो बच्चे को इस पे घुमाना आएगा कि ये ट्रेसिंग है, ये ट्रेस कर रहा है। अब कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम जो दे सकते हैं बच्चों को फिगर्स के थ्रू, क्या कह सकते हैं, जो मैंने बोला गेम्स जैसा उनको लगे कि हाँ वो कुछ खेल रहे हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमने डिफरेंट शेप्स बना दी है, ठीक है, शेप्स के थ्रू भी कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कलर्स कर दिए और उसको बोला कि इस लाइन को आपको ट्रेस करना है, जो डॉट्स दिए हैं हमने, इसको आपको ट्रेस करना है, चाहे तो पेंसिल से चाहे तो सेम कलर से। और नीचे जो फिगर है डिट्टो वही कॉपी है फिगर, इसको आपको सेम कलर में कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसको ऐसे फिल कर देगा कलर करके, ऐसी सर्कल का कर देगा, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ऐसे ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने हार्ट बनाया है, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो ट्रेसिंग करना बच्चा सीख रहा है, प्लस इंटरेस्ट उसको आ रहा है ना करने में, क्योंकि कलर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, कलर्स भी आइडेंटिफाई कर रहा है, साथ में हम उसे फिगर्स भी आइडेंटिफाई करा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, हार्ट लिया, स्टार बना दिया हमने, सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हमारे ऊपर हम कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ऐसे एक ये है, अब हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो चांद बना दिए, दो क्या, चार चांद बना दिए, और यहाँ पे मैंने क्या करा, स्टार्स बना दिए। अब इनको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी लाइन खींचना आएगा उसको, यहाँ से यहाँ तक, या लाइन खींचना आएगा, सीधी नहीं खींचेगा तो कम से कम लाइन तो खींचेगा ना, यहाँ ऐसे आएगा उसको, फेस को कलर कर देगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, या एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करें, कलर्स कर दें इसको, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इसको ग्रीन कलर कर देती हूँ और इसको भी मैं रेड की जगह ग्रीन कर देती हूँ। सपोज़ ये ग्रीन है, ठीक है, और ये वाला जो दूसरा वाला है वो रेड ही रखते हैं, ठीक। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहीं पे, ये हम रेड कर देते हैं। तो मैच करना है इसको, तो यहाँ पे लाइन खींचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं। तो ये ट्रेसिंग हो गई उनकी। तो ये हम प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं ताकि लाइन खींचना आ जाए बच्चे को। अब यहाँ पे शेप्स ली हुई हैं एक तरफ, और यहाँ पे हमने क्या क्या पैटर्न बना दिए हैं, ठीक है, जो लिखने में हमारे काम आते हैं, जब हम अल्फ़ाबेट्स या फिर न्यूमेरिक्स लिखते हैं, या हिंदी के भी जब लिखते हैं तो हमारी यही सारी चीज़ें काम आती हैं, जो कर्व्स होते हैं और जो लाइन्स होती हैं उन्हीं का पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर ट्रायंगल तो इसको कनेक्ट करेगा, यहाँ सीधी लाइन ना होके हमने इसको ये कर्व ले लिया हमने, तो यहाँ पे लाके मैच करके इसको
इसको सेम कलर में कलर कर देगा, ग्रीन कलर में। फिर ऐसे ये बटरफ्लाई है, अब इसमें मैंने क्या किया, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई से रिलेटेड क्या है, फ्लावर, फ्लावर पे बैठती है, तो इसको भी कलर करना है हमें। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न दे दिया करने के लिए, इसको ट्रेस करेगा। फिर ऐसे ये दे दिया ट्रेसिंग सारी हमारी, जो भी हमें लगता है पैटर्न हम उनको दे सकते हैं ऐसे जो है फिल करने के लिए, तो वो ट्रेस करेंगे इसको, मज़ा आएगा उनको। डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी करा सकते हैं, कलर से बहुत अच्छा रहेगा करना। फिर ये वाला हमने उसको दे दिया, जो ई बनता है या एल बनता है, हमने वो वाला भी इसको यहाँ पे शेप दे दिया। या हम क्या कर सकते हैं, हम ये फिगर्स ना डालें, सीधा सीधा उनको ये ट्रेस करने के लिए देते हैं कि भाई कोई पैटर्न बना दिया हमने और उसको ट्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइंस भी हो गई, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हो गई हमारी। फिर ऐसे यहाँ पे सर्कल का हमने शेप दे दिया, जो शेप चाहे वो शेप दे सकते हैं इसमें, आपके ऊपर है आप क्या क्या चीज़ें उनको कराना चाहते हैं। हमें तो सिर्फ उनको ट्रेसिंग बतानी है ना कि भाई लाइन के जो ये डॉट्स हैं इसके ऊपर लाइन चलानी है, कलर चलाने हैं उसको, तो हमें तो सिर्फ यही सिखाना है। तो हम क्या बना सकते हैं, लाइक ये घर है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अब वो कैसे अपने घर तक जाएगा, तो यहाँ पे वो इसके ऊपर ट्रेस करेगा, बड़ा मज़ा आएगा उसको। कलर से करा दीजिए तो पूरा ऐसे करके रास्ता जो है वो ट्रेस करता हुआ जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं चाहे तो। फिर ऐसे यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर बना के यहाँ बटरफ्लाई बना दी है, इसमें मैंने दूसरा इसमें पैटर्न दे दिया है, यहाँ पे कलर करेगा, ठीक है। ये लाइन मैंने बना दी है, अब इन लाइंस को ट्रेस करना है, चाहे वो कलर से या पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी हो गई, स्लैंटिंग लाइन्स हो गई हमारी, तो ये इसमें हम करा सकते हैं। फिर ये भी करा सकते हैं, लाइक यहाँ पे पहले ट्रेस करा हमने, सारी चीज़ें ट्रेस करनी है हमें जितनी लाइंस दिख रही हैं, और उसके बाद इसे कलर कर दिया उठा के, ठीक है। तो शेप्स का भी हो रहा है यहाँ पे, कलर्स का भी यूज़ हो रहा है हमारा, और साथ साथ हमारी ट्रेसिंग भी हो रही है, तो कलरिंग भी आएगी साथ साथ ना। तो ऐसे करके जैसे यहाँ पे ये पहले ट्रेस और उसके बाद कलरिंग इसको, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे चार डॉट बना दिए, अब एक मैंने पैटर्न बना दिया, लाइक यहाँ पे मैंने स्लैंटिंग लाइन बना दी, ठीक है। दूसरे में मैंने डॉट्स बना दिए कि इसको ट्रेस करना है, और तीसरे में क्या होगा, बनाएगा, क्योंकि वो दो चीज़ें कर चुका है, तीसरी चीज़ में यहाँ से यहाँ जुड़ेगा डॉट से डॉट। फिर ऐसे यहाँ पे लाइन, ठीक है, ये लाइन आई, फिर यहाँ पे ये लाइन आएगी, ऐसे करके ये वाली लाइन हो जाएगी। या फिर ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लाइन बनाई है, तो यहीं पे वो सेम चीज़ को कॉपी करें, सेम चीज़ को कॉपी करें, ये कर सकते हैं हम। फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हैं, ठीक है। इन डॉट्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में हम कैसे पैटर्न के थ्रू उनको सिखा सकते हैं, देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया कि इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा डॉट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो खुद जोड़ेंगे क्या पैटर्न था, तो ये ब्रेन के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है उनके। पहले वो ट्रेस करेंगे यहाँ पे, और ट्रेस करने के बाद वो खुद इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरे में भी सेम, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सर्कल को अंदर रखा और इसको ऐसे लाइंस में कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक लाके छोड़ सकते हैं, आगे वो खुद करेगा, ये भी कर सकते हैं। ऐसे ये दूसरा पैटर्न बना दिया, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी यूज़ हो सकता है। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए, उस पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट बना दिया, अब इसको यहाँ पे कवर करेगा, यहाँ तक लाएगा इसको, फिर ऐसे ये जिगजैग यहाँ तक लेके आएगा। तो पहले ट्रेस करेगा और फिर बनाएगा, ट्रेसिंग और फिर बनाएगा, ट्रेसिंग और फिर बनाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये वाला शेप सर्कल का हो गया, इसमें यहाँ पे भी कवर करना है इसे। फिर एक ये हो गया, ठीक है, लाइंस डिफरेंट डिफरेंट दे दी बनाने के लिए, यहाँ पे लाके, फिर ये, तो ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए ऐसे प्रैक्टिस करा सकते हैं घर में, मज़ा आएगा खेल खेल में। और फिर एक जैसे यहाँ पे मैंने दो डॉट्स बना दिए हैं, इसमें मैंने ये वाला पैटर्न लिया है, ये पैटर्न ना है, यहाँ पे उल्टा पैटर्न ले लिया, उसी के बाद यहाँ पे रिपीट भी करा सकते हैं कि सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करो, तो यहाँ पे कॉपी करेगा ऊपर से देख के, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कर्व्स बनवा दिए कि आपको कर्व की प्रैक्टिस करनी है, कर्व ऐसे करके आ गए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम करा सकते हैं, ट्रेसिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। सो ये बहुत यूज़फुल रहेगी, आई थिंक आप लोगों को भी यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।